लिफ्टिंग की शुरुआत करते हैं तो हमारे बाइसेप्स जो हैं उस ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। पर यह चीज ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है और कुछ समय बाद बाइसेप्स की जो ग्रोथ है वह लगभग रुक जाती है और उन्हें बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आर्म्स को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा असरदार टिप और महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। तो अगर आप अपने बाइसेप्स को पूरी तरह से वेल डेवलप करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को एंड तक तो जरूर देखें। दोस्तों, बाइसेप्स का पूरा साइज डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले बाइसेप्स की जो एनाटॉमी है यानी कि इसकी जो बनावट है उसके बारे में जान लेना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बाइसेप्स के तीन हेड होते हैं। पहला होता है लॉन्ग हेड, दूसरा होता है शॉर्ट हेड और तीसरा होते हैं ब्रैकियालिस। जब हम इन तीनों हेड्स को हर एक एंगल से अलग अलग एक्सरसाइज की मदद से टारगेट करते हैं तब जाके हमें एक प्रॉपर राउंड बाइसेप्स की शेप मिल पाती है। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम जानते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा असरदार टिप्स के बारे में और इन टिप्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन एक्सरसाइजेस को आपको अपने बाइसेप रूटीन के अंदर रखना है और कितने आपको सेट्स और इसके रेप्स लेने हैं ताकि आपके पूरी तरह से बाइसेप्स जो है वेल राउंडेड डेवलप हो पाए। तो सबसे पहली बात का आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हमें पूरा प्रॉपर फॉर्म के साथ और पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने जिम में देखा होगा कि बाइसेप कर्ल्स लगाते वक्त बहुत सारे लड़के जरूरत से ज्यादा वेट को लगा लेते हैं और फिर अपने रैप को कंप्लीट करने के लिए वह मोमेंटम का सहारा लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जिस एक्सरसाइज का सीधा असर हमारे बाइसेप्स पर पड़ना चाहिए, इस मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे दूसरे बॉडी पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऐसा होने से हमारे बाइसेप्स को एक्सरसाइज का पूरी तरह से नहीं मिल पाता और वहाँ के मसल एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने कैपेसिटी के हिसाब से वेट लगाएं और पूरी प्रॉपर फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करें। बाइसेप्स को बढ़ाने की दूसरी टिप है कि आप ओवरलोड प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें। अगर एक व्यक्ति हर हफ्ते जिम में जाकर एक ही तरह का वेट्स को लिफ्ट करेगा तो इससे बाइसेप्स मसल को कोई जरूरत महसूस नहीं होती है अपना साइज बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए हमेशा आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जब भी आप जिम में जाएं तो पिछली बार के मुकाबले आपको थोड़ा सा वजन ज्यादा उठाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अगर आप सेम वजन उठा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 रेप ज्यादा आपको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम उन जरूरी बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं जो कि हमारे ओवरऑल बाइसेप्स को डेवलप करने में हमारी मदद करेंगे। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में लगानी है वह है वाइड ग्रिप बारबेल कर्ल्स। वाइड ग्रिप बारबेल कर्ल्स हमारे बाइसेप्स के शॉर्ट हेड यानी कि इनर हेड पर डायरेक्टली वर्क करती है। इस एक्सरसाइज को हर अल्टरनेट वीक पर डंबल के साथ भी करा जा सकता है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपको करने हैं 10 से 12 रेप्स। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। यह एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए। इस एक्सरसाइज में कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि इस एक्सरसाइज को करते वक्त वजन कम ही रखें और फॉर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपको करने हैं 10 से 12 रेप। तीसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ब्रैकियालिस को डायरेक्टली टारगेट करने के लिए। आपने यह बहुत बार पाया होगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति जिसके की बहुत ही अच्छे बाइसेप्स हैं उन्हें साइड से देखते हैं तो आर्म्स बहुत ही ज्यादा चौड़ी नजर आती हैं। यह सारा कारण होता है ब्रैकियालिस की वजह से। जब हम हैमर कर्ल्स को करते हैं तो इससे हमारे बाइसेप्स का साइड से जो साइज है वह इंक्रीज होता है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आप वेट को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपको करने हैं 10 से 12 रेप। चौथी और आखिरी एक्सरसाइज जो कि हम करेंगे वह है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स बाइसेप्स की जो पीक होती है उसको बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है। जिस भी व्यक्ति की बाइसेप्स की पीक अच्छी होती है उसकी ओवरऑल बाइसेप्स की लुक बहुत ही ज्यादा अच्छी निकल के सामने आती है। इस एक्सरसाइज को भी बहुत ध्यान से करना होता है और वजन से ज्यादा प्रॉपर फॉर्म और मसल के कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ध्यान देना होता है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में आपको करने हैं 12 से 15 रेप। तो दोस्तों, ये हैं कुछ बहुत ही ज्यादा असरदार टिप्स और बाइसेप्स की एक्सरसाइज। अगर आप इन टिप्स और इन एक्सरसाइज को अपने रूटीन में डिसिप्लिन के साथ शामिल करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कुछ ही समय में आपको अपने बाइसेप्स पर बहुत ही गजब का असर देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से इस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें हमसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर तो जरूर करिए ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। हम जल्दी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।